या आप भी सीए में ए आई आर वन लाना चाहते हैं या फिर आप कंफ्यूज है अपनी सीए प्रिपरेशन में हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज सीरीज विद टॉपर्स में जहां हम आपको उनकी जर्नी लर्निंग्स, स्ट्रेटेजी सीक्रेट्स एंड बाकी सभी चीजों के बारे में बताते हैं आज हमारे साथ काफी स्पेशल गेस्ट सी ए राधिका बेरीवाला है जिसने सी ए फाइनल्स दिसंबर 2021 में AIR 1 and CA May AIR 2 laaya tha. She scored 640 out of 800 in CA finals, which is one of the highest score in it in any year in the current format. We are really grateful to have you here and to learn from your experiences today. Thank you. Thank you, Madhur, for such a warm welcome. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा लेट स्टार्ट विद द्वेश्चन so you got an unbelievable rank 1 and rank 2 in ca finals as well as ca inter so how was your reaction when the results were announced okay so talking about the reactions it is something that is painted on my head till now um,

ये तो रैंक है बट सी ए पास होने पे भी लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है डेफिनेटली yeah, uh, वो मतलब uh, हमारे आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स रहा होगा और जिसको मतलब आप हमेशा काफी चेरिश करेंगे और काफी मतलब अच, अच्छा फील हुआ होगा उस समय हम्म हम्म यस एग्जैक्टली वाई सी ए लाइक इतने सारे और भी कोर्सेस होती है तो आपका इंटरेस्ट सी ए फील्ड में कैसे आया सी uh, ए का कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा इट्स जस्ट दैट सी हैज काफी सारे सब्जेक्ट्स का वो बंडल है वो हमें काफी सारी एक्सपर्टीज देता है एंड सीए के बाद काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है सो इट्स नॉट एन एंड इट्स जस्ट स्टार्टिंग उसके बाद हम कोई भी और कोर्स भी कर सकते हैं बीट एमबीए इफ वी वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज सो यूपीएससी इट प्रिपेयर्स अस फॉर लाइफ एंड

यहाँ से कई सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज एंड फील्ड खुल जाती है जैसे कि मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस ऑडिटिंग कई सारी डिफरेंट फील्ड्स तो इसलिए मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट uh, आया हाँ मतलब ये सब ऐसे करने के बाद पता चलता है बट वंस वी स्टार्ट डूइंग इट हमें इंटरेस्ट आता जाता है उसके सब्जेक्ट्स में एंड अगर मतलब फिर हम स्पेशलाइज किस फील्ड में करना चाहते हैं हम वो सोच सकते हैं उसके बाद

हमें दो पेपर पूरे लिखने रहते हैं एंड दो पेपर आर एमसीड इज सी एंटर एट द सेकेंड लेवल सी ए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इसमें आठ पेपर होते हैं एंड टू ग्रुप्स सो एक ग्रुप को पास करने के लिए फिफ्टी परसेंट इज द एग्रीगेट मार्क्स एंड फोर्टी परसेंट इन ईच सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड इन दिमिलर वे वी है लास्ट स्टेज ऑल्सो एट पेपर एंड टू ग्रुप्स

and the indirect tax to give us the specialized specialized special specialized knowledge and uh, depth knowledge of everything so it's basically a very long uh, a series of exams to become a finally a chartered accountant and can you also uh, tell about your own ca journey like uh, when did you uh, started different exams and how it happened uh, uh, one thing i is the article ship after intermediate we have to do article ship for uh, 3 years and then we have to give our ca finals um, so my journey is basically i have started with cpt when i was giving it was not foundation it was cpt uh, so i cleared cpt in may 2000 in june 2017 and then i gave my intermediate in may 2018 and then final in december 2021 um, so it was like four four and a half years journey and many ups and downs in the journey uh, bringing uh, as the covid came and then we again got to go to tuitions, each made there were online classes then there was articleship then there was work from home so a mixture of everything but as we say all's well that ends well at sea yeah the results were really phenomenal

ऑनलाइन लर्निंग लाइक मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं लोग बट इट्स बेसिकली अब अगर आप काफी हो, तो sure. uh, मैं फिर भी ऑफलाइन क्लासेस प्रिफर करती थी बिकॉज ऑफ लाइक हम अटेंटिव वहां पर ज्यादा रहते हैं एंड वी है लॉट ऑफ पीपल वेन वी गो देर वी डेवलप आर ओन अंडरस्टैंडिंग विदीपल वी आर स्पीकिंग एंड वी डेवलप आर नेटवर्क विच इज वेरी इम्पोर्टेंट इन टू डेज वर्ल्ड हाँ हमने काफी सही कहा कि ऑफलाइन लर्निंग का कई सारा इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है जैसे कि नेटवर्किंग पीयर लर्निंग एंड एक जो फिजिकली जो हम लोग वहाँ लिख के जो सीखते हैं वो ऑनलाइन में थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग जरूर रहता है या सो कैन यू एक्सप्लेन योर स्ट्रेटेजी ऑफ बोथ सी ए इंटर एज वेल एज सी ए फाइनल्स या सो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो देर वॉज नो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी

एंड मेक अ टारगेट एंड ट्राई टू अचीव इट और टारगेट कुछ और बहुत ऐसा भी नहीं बनाना जो अचीव ही ना हो और हम डिमोटिवेट हो गए पढ़ना रोक दे या फिर इतना ईजी की इजिली अचीव हो और हम पूरा दिन वेस्ट करें सो टारगेट शुड भी लाइक जो हम अचीव करें तो हमें सेटिस्फेक्शन हो कि आज इतना हो गया और उसको अचीव किए बिना हमें नींद ना आए तो ऐसा मोटिवेशन uh, रोज का करना पड़ेगा सी ए क्लियर करने के लिए एंड जस्ट फोकस ऑन लर्निंग द न्यू थिंग्स एंड

हाँ, मतलब आपने काफी सही कहा कि हम लोग को बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ अगर पढ़ाई करेंगे तो लोग कुछ समय बाद बर्न आउट हो जाएंगे कंटिन्यू कर पाना पॉसिबल नहीं exactly. है तो अपने एंड बाकी हॉबीज को भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखते हुए एंड स्लाइटली आउट ऑफ कंफर्ट जोन टारगेट हम लोग को पर डे रखना चाहिए जैसे आपने समझाया कि जो थोड़ा चैलेंजिंग हो पर पॉसिबल हो कर पाना हाँ हाँ एक्जेक्टली exactly.

एट सूरत सो हाउ यू मैनेज यल शिप लाइक ये काफी सारे लोगों का, का काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि लोग बैलेंस नहीं कर पाते। so, articleship के पॉसिबल इट्स डिफिकल्ट बट पॉसिबल है आण्ड सिक्स मंथ्स की लीव जो आर्टिकल शिप एग्जाम्स uh, से पहले जो सिक्स मंथ्स की लीव मिलती है वो अपने प्रिंसिपल से पहले ही बात करके रखना कि वो हमें फुल सिक्स मंथ्स चाहिए उसका फाइव या फोर नहीं होना चाहिए uh, वो सिक्स मंथ्स तो हम रिवीजन और जो भी हमारा सब बचेगा उसको देंगे बट उसके पहले हम कम से कम ट्यूशन के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं लाइक इफ वी हैव हैविंग अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हम नाइट में खुद स्टडी कर सकते हैं और अगर इवनिंग क्लासेस है तो मॉर्निंग में खुद स्टडी करना है सो एक टाइम क्लासेस एंड एक टाइम स्टडी ऐसा हमें मतलब पैटर्न कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा जिससे सिर्फ क्लासेस ना चले बट क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी हो पाए बिकॉज जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लासेस का भी कोई मतलब नहीं है सो वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स आउट एंड फिर इजीली मैनेज हो सकता है साथ साथ भी. हाँ, हम को एक दोनों के लिए फिक्स करना होगा जैसे अगर आर्टिकल हम लोग मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में सेन तो और पे फोकस करना होगा ताकि दोनों को बैलेंस कर सके स्पेसिफिक रिजन यू डिट डलशिप फ्रॉम बिग फोर इवन आफ्टर गेटिंग ए आई टू इन सी एंटर

आर्टिकलशिप so बहुत इम्पोर्टेंट है एंड अगर मौका मिलता है बिग फोर से या फिर कोई बड़ी फर्म या फिर जहां से भी आपको करना हो बट बहुत अच्छे से करना और सब कुछ कवर करके करना It's like मैंने से किया तो मुझे एक बेनिफिट हुआ कि मुझे डिफरेंट फील्ड में काम करने का मौका मिला इन बिग फोर आई थिंक हमें एक डिपार्टमेंट मिलता है एंड देर इज अग फर्म सो वी वर्क इनपेसिफिक डिपार्टमेंट बट इन सूरत So uh, so so ियंस so भी जाना या yeah, तो दोनों साइड से बेनिफिट है और ये चॉइस है जो खुद करनी पड़ेगी खुद से लेनी पड़ेगी दोनों तरफ बेनिफिट्स भी है की हर डिसीजन का कुछ अपना प्रोस एंड कॉन्स दोनों होता है yeah. तो वैसे ही मतलब यहाँ भी है जो जैसे आपने कहा कि सबको अपने हिसाब से इंडिविजुअली चूज करना होगा हुँ. so let's move to the subject-wise strategy so how did you prepare from, uh, prepared for sfm subject okay so sfm is strategic financial management uh, yeah basically put a practical subject hai. so focus more on the concepts like i have studied from the um, institute material is also very wholesome nowadays since they have modified the structure so आई वुड से दैट फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट फॉर द एस एफ एम पार्ट लाइक कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा समझ लेना है उसके बाद सम्स की जितनी प्रैक्टिस हो सके उतना करना है बीट एम टी पी आर टी पी और पास्ट इज पेपर सब टाइप के सम्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है एंड डू इट ऑन ए रेग्युलर बेसिस एंड जब रिविजन करते हैं टिक सम्स विच यू वांट टू रिवाइज नेक्स्ट जो आपको इस बार नहीं आए जो आपको इस बार बहुत अच्छे लगे या जो आपको इस बार बहुत आ उन्हें कट कर दो कि हम के पहले दिन ये तो नहीं देख पाएंगे हम सब कुछ नहीं देख सकते, वो में. So, मतलब पहले हमें पढ़ना है एग्जाम दे के लेके हमें उस दिन क्या क्या पढ़ना रहेगा एंड एस एफ एम इज बेसिकली मोर अबाउट कॉन्सेप्टो कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ऑफ द सम्स

इट्स uh, लाइक like कि हमें पहले से पता हो कि हमें आते ही ये टॉपिक करना है फिर ये करना है नेक्स्ट डे पूरा ये टॉपिक करना है सो टॉपिक शुड बी डिवाइडेड एंड वी शुड नो अवर स्ट्रेंथ द पेपर द एबीसी पैटर्न ऑफ द पेपर क्या क्या पेपर में ज्यादा पूछा जाता है और जो हमें नहीं आ रहा उसके ऊपर फोकस करना है या फिर जो आ रहा है उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के उसको एकदम पक्का करना है सो so, क्वेश्चन को बाइफरगेट करना पड़ेगा एंड जो एकदम अच्छे से आ रहा है उसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो हमेशा नेक्स्ट टाइम भी आएगा ही का सब्जेक्ट है बेसिकली एंड इसके आते हैं इंडियन अकाउंटिंग जो हम इंटर में पढ़ते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो फाइनल में होता है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्स so, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है दोनों में बट uh, फाइनल में बहुत ही डेप्थ में जाके नॉलेज दी जाती है इसकी सो uh, so, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि खुद के नोट्स बनाना बिकॉज एफ में सब एफ आर इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट सो नोट्स पहले बनाना हर इंडिया के एंड देन डू द प्रैक्टिकल सम्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ इट बिकॉज पेपर इज क्वाइट लेंथी ऑफ एफ आर सो डू प्रैक्टिस वेल एंड पूरा पूरा सब लिख के करने की प्रैक्टिस करना नॉट जस्ट ऑडिटिंग बिकॉज ऑडिट करना बहुत ईजी लगता है बट जब वो लिखने जाएंगे तब टाइम कंज्यूमिंग होता है वो वो हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आता बट जब हम पेपर में लिखते हैं तब समझ आता है सो so, पहले ही एकदम मॉक भी लिख के देखना बिकॉज एफ आर इज द फर्स्ट पेपर सो फर्स्ट पेपर ऐसा जाना चाहिए कि बाकी सब पेपर के लिए मोटिवेशन बढ़ जाए कम नहीं होना चाहिए बेस्ट शॉर्ट देना है अपना पहले पेपर में सो so, उसकी प्रैक्टिस एकदम मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है क्यूँकी तो, तो तो भी भी yeah. हाँ, तो अक्सर होता है कि हम लोग जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि ये तो हो जाएगा या इजी है लेकिन जब उसको लिखते हैं तो नहीं हो पाता है या मतलब टाइम भी लगता है तो वो सब लिख के ही प्रैक्टिस करने से क्लियर होता है जो हर सीए फाइनलिस्ट डरता है जिस सब्जेक्ट से एंड मतलब जिसको पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है बट वो मैनेज हो सकता है इट्स लाइक like हमें उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसकी लैंग्वेज मेंटेन करनी पड़ेगी वी विल यूज मतलब ये वॉट्स वाली लैंग्वेज हमारी जनरल लैंग्वेज ये नहीं चलती ऑडिट में सो so, ऑडिट भी थोड़ा बहुत रीड like जितना हो सके उसके आंसर रीड करने है एंड ऑफकोर्स इट इज अ थियोरी सब्जेक्ट सो लर्निंग तो करनी पड़ेगी बट वॉट इज इम्पोर्टेंट इज हम उसको रिवाइज करते रहे प्रॉपर इंटरवल्स पे सो uh, दैट so हमें उसकी लैंग्वेज रिटेन रहे और वो जो वर्ड्स है स्पेसिफिक की वर्ड्स टू रिटेन दैट लैंग्वेज

पढ़ते तो हम थियोरी है लाइक like लॉ के सेक्शन लॉ बट आता उसके है so, सिर्फ से कुछ नहीं होगा हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होना उसका स्टोरी की तरह उसको समझ के हम अगर लर्न करेंगे सो इट विल गेट स्टिक टू अवर माइंड एंड विल केस स्टडी देख के हमें वो क्लिक होगा की कौन सा सेक्शन लगेगा कहा पे क्या लगेगा एंड इसके अंदर

थ्री मंथ्स के बाद उसका एक बार रिविजन आ जाए जब भी हमने वो कंप्लीट किया है फुल लॉ साथ में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है वी कैन डिवाइड इट इन लाइक फोर हमें साथ में पढ़ना है फिर ये पांच चैप्टर हमें साथ में पढ़ना है या फिर ये एक पर्टिकुलर लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक हमें साथ में पढ़ना है मतलब कुछ भी हम बाइफरगेट करके फिर उस लॉ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो वी कैन डू लाइक दैट प्रॉपर so ब्रेकडाउन करना है क्योंकि ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है तो अलग अलग हम लोग सर्टेन टॉपिक्स एंड चैप्टर्स को बना के उनको पढ़ना है और इसे इसको स्पेस्ड रिवीजन करते रहना है हर कुछ समय में ताकि हम लोग इसको लगातार याद रहे मतलब भूल नहीं जाए और इसको हुँ. समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट हाँ. क्वेश्चन नहीं रहता है पर काफी सारे लोगों को याद करना काफी मुश्किल लगता है मतलब क्योंकि मतलब कई सारा चीज याद करना थोड़ा अनइंटरेस्टिंग या डिफिकल्ट भी रहता है तो कुछ सजेशंस उससे रिलेटेड कि लोग मतलब कैसे याद कर सकते हैं याद करने के लिए मैं कहूंगी याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा लोगों को उसको रिटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है एक बार याद तो हो जाता है बट वो रिटेन नहीं रहता सो उसको रिटेन करने के लिए हमें रिविजन ही करना पड़ेगा हर दो दो महीने पे हर तीन तीन महीने पे या फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी फॉलो कर सकते हैं कि जो हमने आज रिव, आज लर्न किया है वो हम कल सुबह उठ के सबसे पहले उसी को रिवाइज करेंगे और आज और कल का मिला के परसों और फिर ऐसे एक हफ्ते का पूरा मिला के हम संडे को पूरा संडे इज द टाइम विच विल रिवाइज द होल वीक वट वीव स्टडी जो पूरे हफ्ते में पड़ा संडे को वो पूरा रिवाइज करना है तो अगर इतनी बार ही रिविजन हो जाएगा तो फिर हम उसे भूलेंगे नहीं तो हम ये एक तरीका फॉलो कर सकते हैं देन सेकेंड इज जिसको बिल्कुल लर्न नहीं होता वो थोड़ा लिख लिख के लर्न करने का ट्राई कर सकता है उससे थोड़ी मेमोरी फास्ट uh, थोड़ी लर्निंग स्पीड आ जाएगी एंड फिर एक बार लर्निंग स्पीड आ जाएगी तो हम देन नेक्स्ट इज द स्टोरी टाइप हम कोई स्टोरी बना सकते हैं जो भी हमारे पास सेक्शन है या फिर जो भी पॉइंट्स है उसकी एक स्टोरी या कुछ भी आपस में लिंक करके अः uh, फिर हम उसे लर्न कर सकते हैं सो so, ये दो तीन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं हाँ ये काफी हेल्पफुल टिप्स आपने बताए कि जो थोड़ा हेल्प करेंगे uh, चीजों को रिटेन करने में एंड uh, उसको अच्छा से समझने के लिए सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट ओके डायरेक्ट टैक्स वाज लाइक डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है जो बहुत सबसे ज्यादा सब्जेक्ट चैलेंज और ये चैलेंज अभी भी है मेरे लिए बिकॉज uh, उसको फुल्ली कवर करना इज लाइक like, uh, हमें बहुत नोट्स बनाने पड़ेंगे क्रिस्प नोट्स और रेफरेंस बुक्स मतलब डीटी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक ही औरमरी कहीं गायब हो जाती है एंड पिक्चर मेमरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट आई वु सेली लोग से ज्यादा रेफरेंस बुक यूज करते हैं इसके लिए मैं इसके अंदर एक क्लैरिफाई कर रही हूँ की एक ही बुक को स्टार्टिंग में पकड़ना और उसी को स्टिक करना अपनी एग्जाम तक एंड डीटी को खुद के सेल्फ नोट्स बनाना और कुछ भी मतलब अगर समरी बुक किसी के रिफर कर रहे हो तो उसको भी मतलब उसी को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेना थोड़ा डिटेल्ड बना के कौन से प्रोविजंस आपको देख के जाने एग्जाम वाले दिन कौन से आपको याद रहते हैं थोड़े बहुत सम सॉल्व करना एग्जाम वाले दिन फिर मतलब उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं है बट but... और वो इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी नहीं है इट्स जस्ट दैट उसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम वाले दिन सो uh, कॉन्सेप्ट so तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और इसमें प्रोविजन तो लर्न रहते हैं सो एग्जाम यू आर राइटिंग द पेपर ना तो नोट्स प्रॉपरली लिखना और सेक्शन प्रोविजन प्रॉपरली लिख के आना उस सम के नीचे बिकॉज उसके मार्क्स होते हैं एंड लोग क्या करते हैं सिर्फ सम करके आ जाते हैं बट उसके नीचे उसका प्रोविजन नहीं लिखते सो so, उसका प्रोविजन के अलग से मार्क्स होते हैं इवन इफ योर सम इज रॉन्ग तो अः दो इम्पोर्टेंट चीजें आपने इसमें बताई एक तो ये प्रोविजन एग्जाम में जरूर से लिखना जो कई लोग मिस कर जाते हैं और दूसरा कि अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा बुक को पलट ले उतना बेनिफिट है पर ऐसा इसका उल्टा होता है तो हम लोगों को, को एक बुक को ही पकड़ना है पर उसे अच्छा से थोड़ा करना है ताकि वो हम लोग का थोड़ा माइंड में स्टोर रहे जो हम लोग पढ़े थोड़ा चीजें एसोसिएटेड रहे और उसका क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना के उसको रेफर करना है या एग्जैक्टली एंड पिक्चर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक like हमें याद रहता है कि इस पेज पे हमने ये पढ़ा था तो एग्जाम में वो क्लिक होता है कि ये इस पेज पे था ये टॉपिक तो हमें याद आता है कि ये वाला टॉपिक में ये ये था तो वो पिक्चर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक बुक को जब हम दस बार पढ़ेंगे तभी आएगी वो पिक्चर मेमोरी अगर सौ बुक लेके उसको बार बार पढ़ेंगे मतलब उसको एक बार पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला एक ही बुक को अगर दस बार पढ़ेंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल है हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना ज्यादा से ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करें चीजों को समझने और याद करने के लिए जैसे हम लोग अगर कोई पिक्चर देखते हैं हॉल में दो तीन बार तो हम लोग को मतलब पूरा विजुअल्स याद रहता है माइंड में उसी तरीका से अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें जो इमेजेस है जो uh, उसमें टेक्स uh, है एंड बाकी चीजें जो उससे जस्ट पहले या बाद में तो हम लोग उसको माइंड में पिक्चर फॉर्म में उसको लिंक करते रहते हैं कि ठीक है ये चीज इसके साथ जुड़ा है वो उसके बाद है तो वो हेल्प करेगा हम लोगों को एग्जाम में रिकॉल uh, uh, करने में एक्जेक्टली सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द कॉस्टिंग सब्जेक्ट अ कॉस्टिंग कॉस्टिंग में क्या था पहले ये एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था बट अब ये धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा थियोरी सब्जेक्ट भी बनता जा रहा है लेकिन आर आवर पेपर 80 आउट ऑफ uh, 120 मार्क्स 85 मार्क्स की थ्योरी पूछी थी सो uh, कॉस्टिंग so में मेरी एक ये एडवाइस रहेगी कि प्रैक्टिकल्स तो प्रैक्टिस करने ही है और सॉल्व भी करने हैं बट थ्योरी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो थ्योरी इज लाइक समझते टाइम हम थ्योरी समझते हैं बट उसके बाद हम सम्स करके थ्योरी भूल जाते हैं सो so थ्योरी को भी थोड़ा टाइम देके थ्योरी भी लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज अगर एटी मार्क्स की थ्योरी आ रही है तो उसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड भी है ऑफ कोर्स बट उसके अंदर हमें थोड़ी भी लर्न करके भी जानी पड़ेगी सो so अभी ये इंस्टीट्यूट

और मतलब हर चीज हमें हर एंगल से सोचनी पड़ेगी तभी हम वो अपने आंसर में वैसा फ्रेम कर पाएंगे सो होलिस्टिक अप्रोच रखना है एक जब भी हम उसकी क्लासेस ले रहे हैं या फिर जब भी हम वो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं खुद से वो क्वेश्चंस पूछो या फिर अपना पियर ग्रुप ऐसा डेवलप करो की uh, एक एक सब्जेक्ट या एक एक चैप्टर उस uh, उनमें बांट दो और फिर उनकी क्लासेस ऐसे पियर्स के थ्रू कंडक्ट करो तो हमें नए नए टॉपिक्स पता चलेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं ये मेरा अप्रोच था फॉर कॉस्टिंग हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक क्यूरियस माइंड से स्टडी करें जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस पूछते कि जो भी हो रहा है वो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा या आपस में चीजें किस तरीका क्योंकि मतलब काफी क्वेश्चंस उस, उस पर भी रहती होंगी एंड वो हम लोग हेल्प करेगा अच्छा से अपने को करने हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट नेजेंट वॉजल इज ऑप्शनल जिसमें हमें छप्शन दिए जाते हैं और हमें कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है एंड इट इज एन ओपन बुक सो मैंने रिस्क मैनेजमेंट चूज किया था बिकॉज इट वॉज थोड़ा बहुत उसके अंदर प्रैक्टिकल था थोड़ा थ्योरी था एंड आई वॉज नॉट इन अड टू स्टडी अनदर थ्योरी सब्जेक्ट सो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्स वाला अप्रोच चूज किया उस बुक के अंदर बिकॉज अगर हमें वो समझ केस uh, स्टडी हम पढ़ते है एग्जाम में और हमें समझ आता है कि इसके अंदर ये आंसर लिखना है बट वो कौन से पेज पे है उसमें ढूंढने में हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए तो एक बुक को तीन से चार बार पढ़ के जाना है जिससे हमें याद uh,

डायरेक्ट वो आर पे जाके सर्च कर सकते हैं कौन सा पेज नंबर है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द चैप्टर वाइज क्योंकि हम ढूंढते ही रह जाएंगे थ्री टू फोर टाइम्स एटलीस्ट टू रीड करना है सेकेंड इज पास्ट पेपर्स और सब सॉल्व करने हैं पास्ट पेपर्स सबकी कंपाइलेशन आपके पास होनी चाहिए बिकॉज मेन टाइम्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं सेम टू सेम

एंड टिकल इंडेक्स अवेलेबल भी है थोड़ी बहुत आई हैव प्रिफर्ड कुशल लोडापेटिकल इंडेक्स और उसको मैंने खुद से भी मॉडिफाई किया जब जब मुझे लगा कि मैं कोई टॉपिक पढ़ रही हूँ और ये इंडेक्स में नहीं है और ये एग्जाम में आ गया तो मुझे ढूंढना पड़ेगा सो यू कैन राइट अगर आपको आर से कोई टॉपिक मिला तो आर वाले बॉक्स में जाके लिख दो वहां पर ही कहीं पे पी से कोई टॉपिक मिला तो पी वाले बॉक्स में लिख दो ओ से कुछ मिला तो ओ वाले बॉक्स में लिख दो तो आपको पता रहेगा उसी को और मॉडिफाई करके और डिटेल्ड बना लो खुद के लिए बिकॉज लाइक like, हमने ये किया था मैं जो बनाती थी वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी और वो जो ऐड करते थे वो मेरे साथ सो so, इससे हमारा इंडेक्स काफी ज्यादा डिटेल्ड हो गया था जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन बिकॉज uh, वो एक वो एक पर्टिकुलर वहां तक ही होगा जहां तक उन्हें क्लिक हुआ या फिर उन्होंने जब पढ़ाई की बट हम जब पढ़ रहे तब हम उसे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से हाँ ये काफी अच्छा अप्रोच है कि पहले हम लोग एक बेस इंडेक्स किसी का यूज़ करें फॉर स्टार्ट और उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते जाए अपने ओन यूज के लिए क्योंकि हर कोई का मतलब डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होगा तो उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना काफी जरूरी है या yeah.